हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन के बारे में। ठीक है, तो बर्बेरिस जो है वो किडनी अफेक्शंस के लिए, रीनल स्टोन के लिए ना बहुत अच्छी मेडिसिन है। रीनल स्टोन के लिए बर्बेरिस जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है रीनल स्टोन के लिए। ठीक है, और लेफ़्ट साइड के जो किडनी अफेक्शंस होते हैं, लेफ़्ट यूरेटर है ना, वो अगर इन्वॉल्व हैं तो उसके लिए बर्बेरिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। हम अब इसका सबसे पहले कॉमन नेम देखते हैं। तो बर्बेरिस का कॉमन नेम क्या लिखा है? बैरबेरी। ठीक है, क्या है? BAR, बैरबेरी। बैरबेरी इसका कॉमन नेम है। और फैमिली कौन सी है? बर्बेरी डीएसी फैमिली है। ठीक, तो कॉमन नेम ये है बैरबेरी और बर्बेरी डीएसी फैमिली है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? बर्बेरिस बिलोंग्स टू वेजिटेबल किंगडम एंड द नेचुरल ऑर्डर ऑफ बर्बेरिडेसी फैमिली। बर्बेरिडी ये वाली जो फैमिली है ना, बर्बेरिडेसी जो फैमिली है उसके अंदर कॉलोफाइलम और पोडोफाइलम भी बिलोंग करती है। ठीक है, इसी फैमिली के अंदर कॉलोफाइलम मेडिसिन और पोडोफाइलम मेडिसिन भी बिलोंग करती है, ये लिखा है। और क्या लिखा है? बर्बेरिस का जो मेन इन्फ्लुएंस है, मेन एक्शन है, इट इज़ अपॉन द यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, स्फेयर ऑफ एक्शन देखें, बर्बेरिस का स्फेयर ऑफ एक्शन कहाँ है? तो मैंने बताया ना, किडनी पे बहुत अच्छा काम है, तो स्पेशली इट एक्ट अपॉन द किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, लीवर पे, गॉल ब्लैडर पे। ठीक है, एंड इट इज़ अ लेफ्ट साइडेड ड्रग। ठीक, तो किडनी पे है, यूरिनरी ब्लैडर पे है, लिवर और गॉल स्टोन कोले के लिए भी अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर पे भी है। ठीक, तो ये स्फेयर ऑफ एक्शन याद रखना है। क्या करता है? पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या लिखा है? पैथोजेनेसिस में इट्स एक्शन ऑन द यूरिनरी ऑर्गन रिजल्ट इन इरिटेशन इन सब्सिक्वेंट इन्फ्लेमेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ रीनल स्टोन्स। तो रीनल स्टोन्स फॉर्म करता है, तो रीनल स्टोन को ही क्योर भी करेगा। तो पैथोजेनेसिस में ये लिखा है कि यूरिनरी ऑर्गन्स पे एक्ट करके यूरिनरी ऑर्गन को इरिटेट करता है। इरिटेट करके क्या करेगा? वहाँ पे इरिटेशन होगी तो इन्फ्लेमेशन होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ रीनल स्टोन विल बी देयर। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस गॉल स्टोन कोलिक। गॉल स्टोन कोलिक भी प्रोड्यूस करता है, तो उसको भी ठीक करेगा। इट ऑल्सो हैज़ मार्क्ड एक्शन ऑन द लीवर, प्रमोटिंग द फ्लो ऑफ बाइल और वेयर देयर इज स्टेसिस ऑफ बाइल विच इज़ प्रोड्यूसिंग गॉल स्टोन। तो लीवर पे भी बहुत अच्छा एक्शन है। जब कभी कंडीशन ऐसी आती है कि स्टेसिस ऑफ बाइल हो गया है और गॉल स्टोन फॉर्म हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हम बर्बेरिस सोच सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर जॉन्डिस एंड गॉल स्टोन। तो जॉन्डिस और गॉल स्टोन के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। ठीक है, तो अभी हमें मेन चीज़ क्या याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे स्फेयर ऑफ एक्शन है इसका? किडनी पे है, यूरिनरी ब्लैडर पे है ना, यूरेटर लेफ्ट साइड के। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर पे है, लीवर पे है, गॉल ब्लैडर पे है, और इट इज़ अ लेफ्ट साइडेड ड्रग। इतना तो हमें क्लियर होना चाहिए कि बर्बेरिस जो है वो किडनी अफेक्शंस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। आगे देखें इसके गाइडिंग्स क्या लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि फिजिकल मेकअप कैसा है? इट इज़ स्पेशली सूटेड टू दोज पीपल हु आर पेल। कैसे लोग होंगे? पेल अर्दी कम्प्लेक्शन, हैविंग अर्दी कम्प्लेक्शन विथ संकन चीक्स, हैविंग ब्लू रिंग अराउंड आइज। ठीक है, तो उनकी किडनी ही किडनी अफेक्टेड है, लिवर अफेक्टेड है। तो ऐसे पेशेंट जिनका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा? अर्दी कॉम्प्लेक्शन होगा, पेल अर्दी कॉम्प्लेक्शन होगा। ठीक है, अर्दी कॉम्प्लेक्शन विथ आइज कैसी, मतलब ब्लू रिंग्स अराउंड आइज होंगी। ठीक है, और ब्लू रिंग क्यों हो गया? अनीमिया इन सब की वजह से वहाँ पे ना ब्लू रिंग हो गया। और संकन चीक्स, एकदम संकन चीक्स रहेंगे, गाल धसे हुए होंगे। ठीक है, ऐसे पेशेंट को बर्बेरिस जो है वो बहुत अच्छा उस पर एक्ट करती है। ठीक है, तो कैसा पेशेंट है, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका? पेल। ठीक है, दोज पीपल हु आर वेरी पेल, हैविंग अर्दी कॉम्प्लेक्शन विथ संकन चीक्स, संकन चीक्स रहेंगी एंड ब्लू रिंग्स अराउंड दी आइज। तो ये हमने बता दिया फिजिकल मेकअप। अब पढ़ते हैं गाइडिंग सिम्टम्स। गाइडिंग सिम्टम्स में क्या लिखा है? पहला मेन जो गाइडिंग सिम्टम वो क्या है? इट इज़ अ लेफ्ट साइडेड मेडिसिन, सो इट प्रिंसिपली अफेक्ट लेफ्ट किडनी एंड लेफ्ट यूरेटर। तो लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है ना, तो लेफ्ट किडनी और लेफ्ट यूरेटर जो है वो उस अगर वो अफेक्टेड है तो उस पर बहुत अच्छा एक्शन है इसका। ठीक है, तो लेफ्ट किडनी, लेफ्ट यूरेटर। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? कैसी सेंसेशन होगी उसको? ब्रूस्ट पेन होगा, नंबनेस एंड स्टिफनेस इन किडनी रीजन एंड इन स्मॉल ऑफ बैक। तो कैसी सेंसेशन है? नंबनेस और स्टिफनेस इन द किडनी
इन द किडनी रीजन, नमनेस और स्टिफनेस। तो इसके सेंसेशंस बहुत मार्क्ड हैं, अभी हम आगे ही देखेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर्स में। तो नमनेस, स्टिफनेस इन किडनी रीजन एंड इन स्मॉल ऑफ द बैक में भी उसको ऐसी सेंसेशन फील होगी, ठीक है। साथ साथ में कैसा ब्रूस्ट पेन होगा, ठीक है, ब्रूस्ट पेन जब ऐसे थोड़ी सी जब लग जाती है तो हमें कैसा घाव जैसा दुखता है ना, वैसा ब्रूस्ट पेन, ठीक है। आगे क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट, सोरनेस ऑफ द किडनी, बबलिंग सेंसेशन, ठीक है। तो अब ना सेंसेशंस बता रहे हैं किडनी में कैसे कैसे उस इंसान को सेंसेशंस फील होंगे। तो और क्या होगा, एक तो ब्रूस्ट पेन देख लिया हमने, और सोरनेस ऑफ किडनी फील होगी विथ बबलिंग सेंसेशन विच इज वर्स फ्रॉम जार एंड मोशन, ठीक है। वर्स फ्रॉम जार, जार मतलब सडन धक्का जो लगता है ना, सडन को या कैसे धक्का दे दे या फिर सडन कोई छू ले, तो वो वर्स फ्रॉम जार से तो उसको दिक्कत होती है उस चीज़ से, और ज़्यादा दुखने लगेगा, ठीक है। तो सोरनेस ऑफ द किडनी, बबलिंग सेंसेशन विच इज़ वर्स फ्रॉम जार एंड मोशन, ये देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, बैक एक है वर्स वेन सिटिंग और लाइंग, हाँ बैक एक वर्स वेन सिटिंग और लाइंग पोजिशन में, स्पेशली वैन लाइंग ऑन द बेड इन मॉर्निंग। तो बैक की कंप्लेन जो पेशेंट में होती है ना, विच इज़ वर्स वैन सेटिंग और लाइंग पोजिशन में अगर दिक्कत हो, तो बैक के लिए भी अच्छी मेडिसिन ये कवर करती है। सेंसेशन क्या है, सेंसेशन ऑफ नमनेस, स्टिफनेस, लेमनेस विथ पेनफुल प्रेशर इन लंबर एंड रीनल रीजन। तो फिर से सेंसेशन बताया है, नमनेस, स्टिफनेस, एक्स्ट्रा क्या बता दिया, लेमनेस भी फील होता है, कहाँ पे रीनल रीजन में, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या लिखा है, लेमनेस विथ पेनफुल प्रेशर भी फील होता है लंबर रीजन में, लंबर रीनल रीजन में, तो ये सेंसेशन है। आगे क्या लिखा है, वॉन्डरिंग रेडिएटिंग पेन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, स्पेशली अलॉन्ग द कोर्स ऑफ लेफ्ट किडनी एंड यूरेटर। तो वॉन्डरिंग टाइप का पेन होता है, वॉन्डरिंग, ठीक है, वॉन्डरिंग और रेडिएटिंग टाइप का पेन होता है, रेडिएटिंग पेन फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर, वॉन्डरिंग रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर, स्पेशली कहाँ पे, अलॉन्ग द कोर्स ऑफ लेफ्ट किडनी, लेफ्ट यूरेटर। तो लेफ्ट साइड की किडनी, लेफ्ट साइड की यूरेटर में वॉन्डरिंग और रेडिएटिंग टाइप का पेन होता है, ठीक है, रेडिएटिंग टाइप का पेन होता है। आगे क्या लिखा है, स्टिचिंग पेन होता है, अब लिवर की बात कर दी, यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स में क्या बताया था, किडनी में कैसे कैसे सेंसेशंस आ रहे हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट बताया है लिवर में, लिवर में कैसा पेन होगा उस पेशेंट में, स्टिचिंग पेन देखने को मिलेगा, स्टिचिंग पेन इन द लिवर रीजन एंड गॉल ब्लैडर शूटिंग अप टू लेफ्ट शोल्डर विच इज़ वर्स बाय प्रेशर। तो स्टिचिंग पेन फील होगा लीवर रीजन में और गॉल ब्लैडर में, और रेडिएट कहाँ तक कर सकता है वो, इट कैन शूट अप टू द लेफ्ट शोल्डर, इफेक्ट हो सकता है विच इज़ वर्स बाय प्रेशर, प्रेशर से एग्रावेशन है, ठीक है, लीवर वाले कंप्लेन में, गॉल ब्लैडर वाले कंप्लेन में, उसको साथ में कंप्लेन क्या होगी, लेफ्ट शोल्डर में भी मेरे को दुख रहा है और ऐसे प्रेशर से ना मुझे और ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, वर्स बाय प्रेशर। आगे क्या लिखा है, फिशुला, फिशुला इन एनो ऑल्टरनेटिंग विद चेस्ट कंप्लेंट्स। तो एनस रीजन में जो फिशुला हो जाता है, इट ऑल्टरनेट विद चेस्ट कंप्लेंट, तो उसके लिए भी अच्छी मेडिसिन है, उसके लिए और कौन सी, कैल्केरिया फॉस है और साइलेशिया भी है। गॉल स्टोन कोलिक फॉलोड बाय जॉन्डिस, तो गॉल स्टोन की वजह से जो कोलिक की पेन होता है, एंड इट इज़ फॉलोड बाय जॉन्डिस, तो जॉन्डिस, गॉल स्टोन, कोलिक दोनों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है बर्बेरिस हमारी, ठीक। आगे क्या लिखा है, ऑल द सिम्टम्स, किससे दिक्कत है, वर्स फ्रॉम मोशन, जार, टच, ठीक है। यूरिन इसका कैसा होता है, क्योंकि किडनी अफेक्टेड है तो उसका यूरिन कैसा होगा, तो ग्रीनिश यूरिन होगा, ब्लडी होगा, टर्बिड होगा, ठीक है, ग्रीनिश, ब्लडी, टर्बिड, फुल ऑफ स्लाइमी म्यूकस रहेगी उसके अंदर, यूरिन के अंदर सोचो, ठीक है, ग्रीनिश, ब्लडी, टर्बिड, गंदा सा होगा, फुल ऑफ स्लाइमी म्यूकस, ठीक। तो ये हमारे गाइडिंग सिम्टम्स हो गए, एक बार वापस से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमने पढ़ा है। तो गाइडिंग्स में हमें मेन चीज़, फर्स्ट तो गाइडिंग है ये कि लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, तो लेफ्ट साइडेड ऑर्गन, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट यूरेटर अफेक्टेड होता है। उसके बाद सेंसेशंस हमें पढ़ना है कि ब्रूस्ट पेन विथ नमनेस, स्टिफनेस इन द किडनी रीजन एंड इन स्मॉल ऑफ बैक। नेक्स्ट सेंसेशन क्या था, सोरनेस ऑफ द किडनी, बबलिंग सेंसेशन विच इज़ वर्स फ्रॉम जार एंड मोशन। नेक्स्ट सेंसेशन बैक एक के लिए भी अच्छी मेडिसिन है, विच इज़ वर्स व्हेन सिटिंग और लाइंग पोजिशन। नेक्स्ट सेंसेशन ऑफ नमनेस, स्टिफनेस, लेमनेस विथ पेनफुल प्रेशर इन लंबर एंड रीनल रीजन। आगे लिखा है वॉन्डरिंग एंड रेडिएटिंग पेन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, स्पेशली अलॉन्ग द कोर्स ऑफ लेफ्ट किडनी एंड यूरेटर। फिर लिवर के सिम्टम्स लिखे हैं, स्टिचिंग पेन इन लिवर रीजन एंड गॉल ब्लैडर विच शूट अप टू द लेफ्ट शोल्डर विच इज़ वर्स बाय प्रेशर, ठीक है। फिशुला इन एनो ऑल्टरनेट विद चेस्ट कंप्लेन, गॉल स्टोन कोलिक के लिए अच्छी मेडिसिन है, जॉन्डिस के लिए, विच इज़ फॉलोड बाय जॉन्डिस के लिए भी अच्छी मेडिसिन है। यूरिन इसका कैसा होता है, ग्रीनिश, ब्लडी,
टर्बिड एंड फुल ऑफ स्लाइमी म्यूकस रहता है यूरिन के अंदर, ठीक है। और सारे सिम्टम्स एग्रवेट कैसे होते हैं, ऑल द सिम्टम्स आर वर्स फ्रॉम मोशन, जार एंड टच, ठीक है। तो ये पूरा हो गया इसका गाइडिंग सिम्टम। अब हम देखते हैं इसके पर्टिकुलर्स में क्या क्या लिखा है। अच्छा मुझे बताओ इसका फिजिकल मेकअप कैसा था, फिजिकल मेकअप कैसा था बर्बेरिस के पेशेंट का, पेल पेल अर्दी कॉम्प्लेक्शन वाले पेशेंट आएंगे, हैविंग संकन चीक, है ना, गाल कैसे होंगे, धसे होंगे, संकन चीक्स एंड ब्लू रिंग अराउंड दी आईज, ठीक है। तो ये है फिजिकल मेकअप, अब क्लियर है। अब हम देखते हैं इसके पर्टिकुलर्स, ठीक। तो पर्टिकुलर्स में क्या लिखा है, अच्छा हाँ पर्टिकुलर्स में क्या लिखा है, गॉल स्टोन कोले के लिए, हमें पता है गॉल स्टोन कोले के लिए अच्छी मेडिसिन है, तो उसमें स्पेसिफिक क्या है, इट हैज़ गॉट मार्क्ड एक्शन ऑन द लीवर एंड इट प्रोड्यूस वेरियस काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो कैसा होगा कैरेक्टर ऑफ पेन, कैसा होगा कैरेक्टर ऑफ पेन अगर किसी को गॉल स्टोन हो रहा है ना, अगर लिवर अफेक्टेड है तो कैसा पेन होगा वहाँ पे, कैरेक्टर ऑफ पेन होगा शॉर्ट, मतलब एक्यूट वाली टर्निंग है ना, शॉर्ट सडन स्टैबिंग पंक्चरिंग वाला, पंक्चरिंग टाइप ऑफ पेन होता है, ठीक है। इसको छोटा करना मुझे, ऐसे होगा कि हाँ ठीक है। तो कैरेक्टर ऑफ पेन में क्या लिखा है, शॉर्ट सडन स्टैबिंग, ऐसे चुभाने वाला या फिर पंक्चरिंग, है ना, पंक्चरिंग टाइप का पेन होगा वहाँ पे लीवर रीजन में। तो ये हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए क्योंकि किडनी का पेन जो होगा ना वो थोड़ा अलग होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अलग अलग लिखे हैं। तो गॉल स्टोन में हमें स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ पेन देखने को मिलेगा, स्टैबिंग, ठीक है, पंक्चरिंग टाइप ऑफ पेन देखने को मिलेगा लिवर रीजन में। और पेन कैसा होगा, पेन इज ऑल्सो शूटिंग टियरिंग टाइप का, शूटिंग टियरिंग बर्निंग स्टिचिंग एंड टिंगलिंग वॉन्डरिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो ये है कैरेक्टर ऑफ पेन गॉल स्टोन में, ये पेन का कैरेक्टर देखने को मिलेगा पेशेंट में, ठीक है। तो क्या क्या वर्ड यूज़ का है, स्टैबिंग टाइप का, पंक्चरिंग, ठीक है, शूटिंग, टियरिंग, ऐसा लगता है एकदम टियरिंग है ना, है टीयर वाला, फिर बर्निंग स्टिचिंग पेन टिंगलिंग पेन एंड इट वॉन्डर्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर, इस टाइप का कैरेक्टर ऑफ पेन देखने को मिलेगा शॉर्ट सडन, ठीक है, गॉल स्टोन में। आगे मोडालिटी किस चीज़ से बढ़ जाएगी, इट इज़ एग्रवेटेड फ्रॉम लिटिल जार एंड मोशन, ठीक है, थोड़ा सा भी जार और मोशन से एग्रवेशन है। कॉन्कॉमिटेंट में क्या है, गॉल स्टोन का कॉलिक इज ऑफन एसोसिएटेड विद जॉन्डिस, इसमें जॉन्डिस भी देखने को मिलेगा उस पेशेंट में, ठीक है। इस पेन के साथ साथ, इस गॉल स्टोन के साथ साथ उस पेशेंट में जॉन्डिस की कंप्लेन भी रहेगी। तो उसका स्टूल कैसा होगा, स्टूल कैसा होगा, वाइट कलर का स्टूल होगा, बाइललेस क्ले कलर का, ठीक है, वाइट क्ले कलर का बाइलेस स्टूल होगा। तो ये हमारा हो गया गॉल स्टोन कोलिक। गॉल स्टोन कोलिक में हमें मेन चीज़ क्या याद रखनी है, बर्बेरिस जो है वो गॉल स्टोन कोलिक जॉन्डिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसका मार्क्ड एक्शन है लीवर के ऊपर। तो किस तरीके का मैनिफेस्टेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर लेके आएगा वो पेन का पेशेंट, तो देर इज शॉर्ट सडन स्टैबिंग टाइप का, पंक्चरिंग टाइप का, ठीक है, शूटिंग टियरिंग बर्निंग स्टिचिंग टिंगलिंग टाइप का पेन लेके आएगा, विच वॉन्डर्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, एंड दिस पेन, दिस गॉल स्टोन का जो पेन है, इट इज एग्रेवेटेड फ्रॉम लिटल जार एंड मोशन, एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद जॉन्डिस के सिम्टम्स के साथ भी लेके आएगा वो पेशेंट, ये कंप्लेन लेके आएगा, ठीक है। और स्टूल क्या है, स्टूल उसका कैसा होगा, व्हाइट बाइलेस क्ले कलर की स्टूल होगी। तो ये हमारा हो गया गॉल स्टोन कोलिक के बारे में, फर्स्ट पर्टिकुलर। नेक्स्ट यूरिनरी सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, तो यूरिन में इसको दिक्कत होगी क्योंकि किडनी अफेक्टेड है, तो ऑब्वियसली बात है यूरिन कंप्लेंट्स देखने को मिलेगा। इसमें क्या है यूरिनरी सिम्टम्स में, कॉन्स्टेंट अर्जिंग टू यूरिनेट, ठीक है, कॉन्स्टेंट अर्जिंग टू यूरिनेट। क्यों है कॉन्स्टेंट अर्ज, क्यों है ऐसा, सेंसेशन एज इफ समथिंग सम यूरिन हैज़ रिमेंड आफ्टर यूरिनेटिंग। तो आफ्टर यूरिनेटिंग ब्लैडर पूरा खाली हो जाता है ना सबका, तो अब तो मतलब सब नॉर्मल हो जाता है, पर इस पेशेंट में क्या दिक्कत रहेगी, इसको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं अभी और मतलब थोड़ा सा तो बच गया है यूरिन, तो इसलिए बार बार कॉन्स्टेंट अर्ज रहेगी इसको यूरिनेटिंग की, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट अर्ज टू यूरिनेट, सेंसेशन एज इफ सम यूरिन हैज़ रिमेंड आफ्टर यूरिनेटिंग, और क्या होगा विथ बर्निंग पेन इन द ब्लैडर, ठीक है, साथ साथ इसको बर्निंग पेन होगा ब्लैडर के अंदर। द ब्लैडर बिकम वेरी इरिटेबल एंड यूरिन कैसा होता है इसका, वेरी स्लो टू फ्लो, स्लो यूरिन पास होता है। किसी किसी का बहुत एकदम फास्ट यूरिन हो जाता है ना पास, ठीक है, इसका कैसा पास हो रहा है, स्लो यूरिन, ठीक है, वेरी स्लो टू फ्लो। तो यूरिन में हमें याद रखना है कॉन्स्टेंट अर्ज रहती है इसको, बर्निंग पेन होता है ब्लैडर में, और यूरिन कैसा है इसका, वेरी स्लो टू फ्लो। तो ये हमारा यूरिन कंप्लीट हो गया। अब हम देखें कैरेक्टर ऑफ यूरिन, हमने देखा था कि कैसा हो रहा था यूरिन इसका, ग्रीन कलर का, है ना, तो ग्रीनिश ब्लडी विथ म्यूकस एंड जेली लाइक, कैसा था यहाँ पे ही लिखा है, ठीक है, अरे ग्रीनिश ब्लडी,
ग्रीनिश था इसका यूरिन, ब्लडी, टर्बिड एंड फुल ऑफ स्लाइमी म्यूकस, तो यही है। और उसके अंदर हमें इट मे बी डार्क टर्बिड विथ कोपियस सेडिमेंटेशन देखने को मिल सकते हैं। तो ये कैरेक्टर ऑफ यूरिन। तो यूरिन में हमें दो चीज़ें लिखनी है, कॉन्स्टेंट अर्ज रहती है यूरिनेशन की उसको, और इसका क्या कहते हैं फ्लो कैसा होता है, स्लो टू फ्लो है ना, यूरिन इज़ वेरी स्लो टू फ्लो एंड बर्निंग पेन होता है ब्लैडर में। और कैरेक्टर ऑफ यूरिन क्या है, कैरेक्टर ऑफ यूरिन हमें पता होना चाहिए, ग्रीनिश होता है उसका यूरिन, ग्रीनिश ठीक है, ब्लडी, म्यूकस लाइक म्यूकस और जेली लाइक सेडिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, डार्क होता है और टर्बिड होता है कोपियस सेडिमेंटेशंस के साथ। तो यूरिन हो गया ख़त्म। अब जो मेन चीज़ है बर्बेरिस की है ना, रीनल कोलिक के लिए जो बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो रीनल कोलिक देखते हैं। तो रीनल कोलिक में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले क्या लिखा है, रीनल कोलिक क्यों हो रहा है, कॉज क्या है, ठीक है, क्यों उसके किडनी रीजन में हमें कोलिक की पेन देखने को मिल रहा है, क्यों, ड्यू टू स्टोन इन किडनी, किडनी के अंदर स्टोन्स बन चुके हैं इस वजह से रीनल कोलिक देखने को मिलता है। लोकेशन लेफ्ट साइडेड, ठीक है, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट यूरेटर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर को इन्वॉल्व करके फिर इट कम्स डाउन टू यूरेथ्रा, तो ये पूरा का पूरा अफेक्ट रहता है। तो लोकेशन में क्या लिखना है, पूरा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइडेड किडनी इज अफेक्टेड, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड कमिंग डाउन टू यूरेथ्रा। तो ये हो गया हमारा लोकेशन, सबसे पहले कॉज लिखा हमने, फिर लोकेशन, फिर अब सेंसेशन। सेंसेशन हमने पढ़ी लिया है, नमनेस फील होगा, बबलिंग सेंसेशन, स्टिफनेस, लेमनेस एंड पेनफुल प्रेशर, यही सेंसेशन था। एक और सेंसेशन है और किडनी रीजन में, ठीक है, तो क्या क्या सेंसेशन है, नंबनेस, सबसे पहले याद रखो कि नंब हो जाएगी, ठीक है, नंब हो जाएगी, उसके बाद वहाँ पे बबल्स वाले सेंसेशन आएंगे, नमनेस सेंसेशन, बबलिंग सेंसेशन, उसके बाद धीरे से स्टिफनेस वाली सेंसेशन आने लगेगी। स्टिफनेस के बाद लिखा है लेमनेस और पेनफुल प्रेशर फील होगा, लेमनेस और पेनफुल प्रेशर फील होगा किडनी रीजन में, सेंसेशन पड़ रहे हैं, ठीक। और क्या लिखा है, लास्ट सेंसेशन क्या था, बर्निंग, ठीक है, बर्निंग एंड सोरनेस इन किडनी रीजन। तो ये पांच सेंसेशन देखने को मिलता है हमें, ठीक है, क्या क्या सेंसेशन है, सेंसेशन हमें पता होना चाहिए, क्या सेंसेशन आ रहा है वाइवम में पूछेंगे। तो फाइव सेंसेशंस देखने को मिलते हैं, सबसे पहले नंबनेस सेंसेशन, नंबनेस के बाद आ रहा है बबलिंग वाला सेंसेशन, ठीक है, नंबनेस सेंसेशन, बबलिंग सेंसेशन, फिर धीरे से स्टिफनेस, स्टिफनेस सेंसेशन इन द किडनी रीजन, फोर्थ क्या था, लेमनेस और पेनफुल प्रेशर, ठीक है, और लास्ट है बर्निंग भी फील होती है, बर्निंग एंड सोरनेस इन द किडनी रीजन। तो ये सारे सेंसेशन पेशेंट को फील होते हैं। आगे कैरेक्टर ऑफ पेन इसमें कैसा है, लीवर वाले में कैरेक्टर ऑफ पेन कैसा था, स्टैबिंग, ठीक है, स्टैबिंग, पंक्चरिंग, बर्निंग, स्टिचिंग, टिंगलिंग, ऐसे सेंसेशन थे लीवर गॉलस्टोन वाले कॉलिक में। किडनी वाले के अंदर कैरेक्टर ऑफ पेन कैसे है, स्टिचिंग पेन है, कटिंग पेन फ्रॉम लेफ्ट किडनी, कटिंग यहाँ पे कटिंग है, ठीक है, कटिंग पेन फ्रॉम लेफ्ट किडनी फ्रॉम द कोर्स ऑफ यूरेटर, ब्लैडर, देन टू यूरेथ्रा, पेन रन अप टू द किडनी, बर्निंग, स्टिचिंग इन सेवरल सक्सेसिव वेव्स इन द रीजन ऑफ किडनी। तो वही कैरेक्टर ऑफ पेन में हमें बस इसमें यह याद रखना है कि स्टिचिंग टाइप का पेन है, स्टिचिंग, कटिंग, बर्निंग टाइप का पेन है लेफ्ट किडनी में और पूरे के पूरे कोर्स ऑफ जो भी है वो किडनी वाला है ना, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा में। तो कैसा हमें क्या वर्ड है, स्टिचिंग टाइप, कटिंग टाइप और बर्निंग, तो है ही स्टिचिंग, कटिंग और बर्निंग टाइप का पेन है, कैरेक्टर ऑफ पेन है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, एक्यूट कंडीशन का जो पेशेंट आएगा, एक्यूट केस वाला, पेन उसका बहुत ज़्यादा सीवियर होगा, देर इज द पेन इज वेरी सीवियर एंड देर मे बी हीमेट्यूरिया विथ सोरनेस इन यूरेथ्रा। तो एक्यूट कंडीशन में हमें हीमेट्यूरिया की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, हीमेट्यूरिया इज व्हाट, यूरिन के अंदर ब्लड, ठीक है, हीमेट्यूरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। द कैरेक्टर ऑफ यूरिन कैसा होगा, ब्लडी, ग्रीनिश विथ थिक स्लाइमी म्यूकस एंड जेली लाइक सेडिमेंट, देख लिया हमने। क्रॉनिक कंडीशन में कैसा यूरिन हो जाएगा, यूरिन उसका हो जाएगा क्रॉनिक में डार्क हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा और कोपियस हो जाएगा, कोपियस सेडिमेंटेशन के साथ, और यूरिन इज वेरी स्लो टू फ्लो विथ कॉन्स्टेंट अर्जिंग। तो ये यूरिन के सिम्टम भी लिख दिया है किडनी के अफेक्शंस के अंदर। एक्यूट कंडीशन में जो गाइडिंग्स में हमने पढ़ा था वैसी हिमेट्यूरिया की कंडीशन और ब्लडी, ग्रीनी, थिक स्लाइमी म्यूकस के साथ आ सकती है। क्रॉनिक के अंदर वो जो है वो उसका जो यूरिन है वो डार्क हो सकता है, डार्क, टर्बिड ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये देख लिया। अब है मोडालिटीज़ हमने देख ही लिया था। एग्रेवेशन किससे है, फ्रॉम जार मोशन, मूवमेंट ब्रिंग इंक्रीज यूरिनरी कंप्लेन, जार और मोशन से ना इसको बहुत दिक्कत है, जार और मोशन से, ठीक है, एग्रावेट, सारी दिक्कतें इसकी, सारी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, रूमेटिज्म के लिए भी अच्छी मेडिसिन है ये, ठीक है, हम ये पॉइंट
पढ़ना ही पड़ते ही नहीं है, ठीक है। तो रूमेटिज्म के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है बर्बेरिस। तो रूमेटिज्म में क्या लिखा है, शोल्डर्स, लोकेशन क्या है, शोल्डर्स अफेक्टेड रहेंगे, आर्म्स, फिंगर्स, टोज एंड फीट। सेंसेशन क्या, सोर, लेम फीलिंग इन द जॉइंट। कैसा कैरेक्टर ऑफ पेन होगा, बर्निंग, स्टिचिंग, टियरिंग टाइप का पेन होगा, विच रेडिएट अपीयर इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी देन टू अनदर पार्ट। तो इसका कैरेक्टर ऑफ पेन हमने देखा था गाइडिंग्स में, वॉन्डरिंग टाइप का पेन है ना, वॉन्डरिंग मतलब शिफ्टिंग, कभी इधर है कभी इधर है, तो वॉन्डरिंग टाइप का पेन है। तो वही रूमेटिज्म में हमें देखने को मिलेगा कि ये जो पेन है, कभी शोल्डर में, कभी आर्म्स में, कभी फिंगर्स में, कभी टोज में, कभी फीट में, यहाँ यहाँ हो रहा है, सोर एंड लेम फीलिंग होती है जॉइंट के अंदर। किस टाइप का पेन है, बर्निंग, स्टिचिंग और टेयरिंग टाइप का पेन है, ठीक है। एग्रावेशन जार से, मोशन से और वॉकिंग से भी, रूमेटिज्म है तो वॉकिंग से भी दिक्कत है, मोशन से, है ना। कॉन्कॉमिटेंट में क्या लिखा है, रूमेटिक एंड गाउटी कंप्लेंट्स आर एसोसिएटेड विथ यूरिनरी ट्रबल्स। तो यूरिनरी ट्रबल्स के साथ अगर रूमेटिक कंप्लेंट्स आ रही हैं तो हमें बर्बेरिस जो है, बर्बेरिस के बारे में एक बार सोचना है। अब जनरल मोडालिटीज देखते हैं, एग्रावेशन मोशन से है, वॉकिंग से है या फिर कैरेज राइडिंग से, सडन जर्क, सडन मूवमेंट से। रिलेशन में सिमिलर टू लाइकोपोडियम सारसेपेरिला इन रीनल कोलिक, ठीक है। इट इज़ एंटीडोटेड बाय बेलाडोना,